हेलो। देखो, अब प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं ग्राफ बेस्ड, वो बताता हूँ। एक बार रिकॉल करवाते हैं आपको पूरा। देखो, गाउस रूल के अंदर कौन कौन सा पढ़ा आपने? आपने पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा लाइन लाइन वाला, जिसको आप वायर बोलते हो। एक आपने पढ़ा कंडक्टिंग शीट, एक आपने पढ़ा नॉन कंडक्टिंग शीट, एक आपने पढ़ा कौन सा कंडक्टिंग स्फीयर, एक आपने पढ़ा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और क्या पढ़ा आपने? कंडक्टिंग होलोस्फीयर। इतने हैं आपके, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ, कंडक्टिंग होलोस्फीयर। ये सारे पढ़े आपने। लाइन वाले के लिए ई क्या था? 2k लैम्डा अपॉन में आर। कंडक्टिंग शीट वाले के लिए क्या था? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या था? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या था? ई इज इक्वल टू, आउटसाइड था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, सरफेस पे था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इनसाइड था ज़ीरो। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग होलोस्फीयर के लिए सेम, यानी कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के, और जीरो। अब सुनो, एग्जामिनर क्या करेगा? आपको क्वेश्चन देगा कि गाउस रूल में डायग्राम बनाओ, गाउस रूल में ये करो, गाउस रूल में प्रूफ करो, वगैरह वगैरह। तो जब वो क्लासिफिकेशन करता है ना, तो आजकल क्या हुआ है, आजकल एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ाने का सोचते हैं, ठीक है। बढ़ाने का सोचने का मतलब ये हुआ, एग्ज़ाम का लेवल एक्सीड नहीं कर रहा, एग्ज़ाम का लेवल मेरे हिसाब से तो डाउनफॉल कर रहा है, अगर रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। क्योंकि आपका जो RBSC बोर्ड है उसका सिलेबस है वो काफ़ी लीनियंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी काफ़ी लीनियंट है, इतने कोई वो बात नहीं है। NCERT आएगी तब देखा जाएगा कि अच्छा, मतलब आपको थोड़ा पता चलेगा फिर कि सिलेबस कहते किसको है, अगर रियल बताऊँ तो, ठीक है। अब सुनो, अब एग्जामिनर क्या करता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें वो ये सोचता है कि यार मैं गाउस रूल के अलावा भी कुछ क्रिएटिव पूछूं, ठीक है। मैं ऐसा कुछ पूछूं जिससे मतलब ये लगे कि हाँ थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। मतलब बड़े क्वेश्चन, देखो वैसे ही बच्चा अगर बड़ा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा भी अगर नहीं आया ना, तो उसको एक तो ये आइडिया नहीं लगता कि ये थोड़ा सा जो तेरे को नहीं आ रहा है ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या कितने नंबर का है, अगर मार्किंग ढंग से ना की हो तो। बात को समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये पता नहीं चल पाता कई बार तो कि ये असल में है कितने मार्क्स का, ठीक है। तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है तुझे आता है, वो शायद एक आधे नंबर का होगा, जो नहीं आता है वो क्या पता कितने का ही हो, तो उसको लगता है अरे तेरे को बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक माइंड, मतलब माइंड के साथ खेलने के लिए ऐसा जनरली एग्जामिनर है वो करता है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये छोटे क्वेश्चन देखने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था लाइन वाले के लिए ये करो वो करो, लास्ट में आया था कि उसके लिए सरफेस, उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में करो बनाओ। अब देखो, सब कुछ कर लिया, करो है भी दिमाग में कि ई और लेमडा आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, तो ई और लेमडा के बीच में जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बट दिमाग में नहीं आता उस टाइम, ठीक। ऐसे ई और आर है वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो कर्व है वो कैसा बनना चाहिए, ऐसा या आप बोलो तो ऐसा बनना चाहिए, एक ही बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइंड में होता है, माइंडफुलनेस पूरी होती है, बट पता नहीं चलता उस टाइम, ठीक है। हाँ सॉरी, ऐसा ऐसा, ठीक है, ई और आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, अगर आपको ई और लेमडा में या ई और आर में करो पूछे, तो आपको ऐसे और वैसे बनाना है, आई बात समझ में, कर लो भी ठीक है। और वो आपको ग्राफ पूछेगा किसमें, ई और आर में कंडक्टिंग शीट के लिए, तो
तो एक चीज बताओ, क्या कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट के फॉर्मूला में कहीं पे आर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ यही है, शीट के लिए ई और आर में ग्राफ है, वो ई आर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ई जितना है उतना ही रहेगा चाहे कहीं चले जाओ। तो ये आर, ये ई है, ये क्या बना रहेगा? कॉन्स्टेंट बना रहेगा, ठीक है, चाहे नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग हो उसमें सेम कर्व है, ठीक है। हाँ, ई और सिग्मा का कर्व पूछ लेना, ई और सिग्मा का कर्व, ये ई है ये सिग्मा है, अगर इनका कर्व पूछ ले तो इनका कर्व बिल्कुल क्या आएगा, इनका कर्व बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, क्लियर है? हाँ, क्योंकि ई और सिग्मा आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। अच्छा जी, अब देखते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का कर्व। सुनो, तो बस ये अगर अच्छे से कर लोगे तो दैट इज ऑल, ठीक है। ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, एक तो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर का और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हाँ, जैसे मैं ही क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, डिफाइन ए कर्व बिटवीन ई एंड आर, वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, देखो। तो भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सुनो, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर ई और आर में क्या रिलेशन होता है, के क्यूपोन में आर स्क्वायर, यानी ई है वो आर स्क्वायर के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल। स्फीयर की सरफेस पे ई और आर के बीच में क्या रेशियो होता है, सरफेस, देखो ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्स्टेंट है, यानी ई क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, और अंदर क्या होता है, जीरो। तो जब आप कर्व बनाओगे ऐसे वाला एक्स वाई, तो आप एक चीज देखो, इसके अंदर ये मान लो ये स्फीयर के अंदर का पोर्शन है, तो क्या इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। यहाँ एकदम कोर पे आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होता है, याद रखना, सरफेस पे होता है और मैक्सिमम होता है। तो जो आपकी नॉन कंडक्टिंग शीट है उसके, हाँ चाहे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कोई हो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम, और फिर एंटी प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो तेजी से गिरता जाएगा, बट जीरो कभी नहीं होगा, चलता जाएगा, क्लियर। तो आपको बच्चों ये कर्व बना के आना है, यहाँ ई है वो एंटी प्रोपोर्शनल 1/r² के, बनाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। एक NCERT के अंदर काफ़ी पीछे स्टाइलिश कर्व था, इंटेलिजेंट बच्चे थे वो बना के आते थे, ठीक है, खुश करने के लिए ऐसा कुछ, कैसा कुछ ऐसे वो ऊपर स्फीयर बना देते थे, ठीक है, आई बात समझ में। फिर वो क्या लिखते थे, ऐसे एक लाइन खींचते थे, ठीक है, इधर भी ऐसे एक लाइन खींचते थे। अब वो क्या करते थे, इस लाइन को ऐसे मिला देते थे, ऐसे। क्या फ़ायदा हुआ, एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये पोर्शन और ये पोर्शन अंदर है, तो यहाँ ई कितना, जीरो। ये पोर्शन सरफेस पे है तो यहाँ ई मैक्सिमम, तो वो लिख देते थे आर मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम, सही भी है। चीज़ों को जितना क्रिएटिव तरीके से करोगे, जितना अच्छे तरीके से करोगे, चीज़ें आपको उतना ही बढ़िया तरीके से ब्लेस करेगी, आशीर्वाद देगी आपको, ठीक है। तो बस चीज़ों को अच्छे तरीके से करना सीखो, करते रहो, ठीक। हाँ, अब सुनो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, ठीक है, और ये वही बात जैसे यहाँ पे बनाया था, ई एंटी प्रोपोर्शनल है आर के, ई एंटी प्रोपोर्शनल है,
वन बाई आर स्क्वायर की, सॉरी मिस, ठीक है, तो कर लोगे इसको, कर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, डिफाइन ए कर्व बिटवीन ई एंड आर फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। डिफाइन ए कर्व बिटवीन ई एंड आर फॉर नॉन कंडक्टिंग, ओके भी नॉन कंडक्टिंग के अंदर अगर फॉर्मूला देखें तो अंदर फॉर्मूला होता है रो आर कोण में थ्री एप्सिलॉन नॉट, यानी ई आर के क्या है प्रोपोर्शनल। तो पहले जो कर्व है वो ऐसा आएगा, ऐसा ई आर प्रोपोर्शनल का, फिर सरफेस पे ये आपको बता ही दिया मैंने कि क्यू पॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या होता है मैक्सिमम, तो यहाँ ई सरफेस मैक्सिमम और कितना के क्यू पॉन में आर स्क्वायर, और फिर आउटसाइड, तो आउटसाइड तो गिरेगा ये ई इन, प्रोपोर्शनल होगा वन बाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड तो दोनों की के क्यू पॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, तो ई टी प्रोपोर्शनल टू वन बाई स्क्वायर। इसका स्टाइलिश वाला खुद बना लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अच्छी बात है अगर क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ आपको तो आप वीडियो को कितनी भी बार देखिए, सही में ये तरीका इतना मेरे को अच्छा लगा, इसमें आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक मतलब कोई चिंता नहीं रहती, ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो कहने का मतलब हुआ अच्छी बात है अगर नहीं क्लियर हो रहा तो, बट अगर क्लियर हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और अब तो अगर आपकी जो कॉलर ट्यून है उसमें भी यही बोलते हैं कि कोविड 19 के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो आप भी थोड़ा सा खुद को अनलॉक करना स्टार्ट कर दो। देखो टाइम है वो अपने आप खुद को खुद हील कर लेता है, ठीक है, ये एक ट्रुथ है, अगर रियलिटी बताऊँ तो टाइम को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती हील करने के लिए, ठीक होने के लिए, समय खुद को खुद ठीक कर लेता है, समय ठीक आ जाता है, ठीक है। ये पेंडेमिक आपने देखी पहली बार है, बट ऐसी पेंडेमिक्स है वो आज से पहले भी बहुत बार आई है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अब वो वाला थोड़ा नहीं स्लोगन जस्ता कि घर पे रहो सुरक्षित रहो, देखो अब सुरक्षित ही हो आप, बस थोड़ी बहुत अगर प्रिकॉशन रखो तो एकदम सेफ हो तुम लोग, कोई उठा के नहीं ले जाएगा तुम लोगों को, ठीक है कोई पेंडेमिक भी नहीं उठा के ले जाएगा, आई मीन टू से, तो आराम से अब बस काम करो अपना, दोबारा ज़िंदगी को पटरी पे लाने की सोचो, और अच्छी तरीके से पढ़ो अब, और अगर आप घर पे नहीं पढ़ सकते लाइब्रेरी जाओ और कहीं जाओ, कहीं भी जाओ आप, ठीक है, आप कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अब थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी आप इस वहम में बैठे रहोगे कि जैसे मतलब कईयों का होता है, ये रियलिटी है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ऐसा कि दो महीना स्कूल और कौन लग गए ऐसा, तो बहुत कम रेयर चांसेस है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लो अभी तो जुलाई जुलाई में देख रहे हैं, उसके बाद जोन्स अगर अच्छे से डिक्लेयर कर दें तो अलग अलग शेड्यूल हो सकता है, ठीक है, और गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर है, पैसा है, तो वो कुछ भी कर सकती है कुछ भी, तो आप भी प्रिपेयर्ड रहो हर स्टेप के लिए, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बस करते रहो कुछ ना कुछ, ठीक है, अब पढ़ते रहो, अब वो टाइम नहीं है कि आप ये बोल दो नहीं कुछ नहीं होगा आगे 6 महीने तक, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी वापस रिहेबिलिटेशन एक टाइप का स्टार्ट होगा, तो यू ऑल्सो शुड प्रिपेयर्ड फॉर देम। बाय बाय एंड टेक केयर, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।